को इधर से उधर करना, इमरान खान साहब रिहा नहीं होते, मतलब दैट इज रेलिवेंट नाउ। उनका जो है मुकदमा जो है वो सस्पेंड हो गया, मगर उनको नहीं छोड़ा अदालत ने, ठीक है। सवाल ये कि क्या वो रिहा होंगे या नहीं होंगे, जवाब बहुत मुख्तसर है कि नहीं होंगे। ये लोग बिजली की वजह से परेशान है, उसमें कुछ एहतजाज वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये 5 साल जो पिछले गुजरे हैं, ये सारा का सारा हमारी एस्टेब्लिशमेंट का किया धड़ा है। जब वो 3.5 साल के इमरान खान को लेकर आए वो गुनाह भी उनके सर है, और जब वो लेकर के आए शहबाज शरीफ को तो वो गुनाह भी उनके सर है। तब इसको ठीक किसने करना है? ना इमरान खान में इतनी सलाहियत है, ना शहबाज शरीफ या बाकी पार्टियों में इतनी सलाहियत है कि इस मामले को ठीक किया जाए। इस मामले को ठीक वही कर सकता है जिसने इस मामले को गंदा किया है, वो भी नहीं कर सकता। उसी के पास वो भी नहीं कर सकता कि जिसकी बुनियाद पे ठीक किया जा सकता है। नहीं नहीं, आइन वाइन भूल जाए, रखा है आइन को। आइन क्या है? अगर ये किस तरह से आपके पंजाब और उसके इलेक्शन नहीं हुए तो आइन कहाँ गया? कूड़े में गया ना, और क्या है? इसको किसी का, इसको पाकिस्तान के प्रॉब्लम का हल इलेक्शन नहीं है। पाकिस्तान के प्रॉब्लम इलेक्शन में जाने से पहले हमने ये डिसाइड करना है एज अ कॉम कि हम सारे जो भी इलेक्शन में कामयाब होता है उसको फिर जो है हम सारे के सारे बाद में आके ये नहीं कहेंगे कि हाँ ये तो हमारे साथ धांधली हुई है और इसको इसने सपोर्ट किया और इसको उसने सपोर्ट किया। अगर यही ड्रामा कंटिन्यू करना है कि अगर एक पार्टी इलेक्शन जीत जाती है और दूसरी आके कहती है कि नहीं अब तो हम धंधा दे देंगे यहाँ पे इसलिए ये हमारे खिलाफ जाती हुई है, तो क्या होगा इलेक्शन से? हम तो वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे अगले 75 साल तक। तो पहले हमने इस बात पे एग्री करना है एज अ कॉम कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। जो हमारी सियासी जमातें हैं और सियासी जमातें ही आपस में मिलकर ये कर सकती हैं। भूल जाए लोग कि हम एस्टेब्लिशमेंट को गिरा देंगे, भूल जाए लोग कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इतनी नफरत आ गई तो हम उससे फायदा उठा लेंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता है। जब तक कि आप एका नहीं पैदा करेंगे सारे सियासतदान और उसके बाद 25-30 साल तक मुस्तकिल हुकूमतें नहीं चलेंगी, ये काम नहीं होने वाला। ना इमरान खान ये काम कर सके, उन्होंने दिखा दिया ना इमरान खान को क्या। इमरान खान आज से अगर 3 महीने पहले चला जाए तो आपको क्या है, अगर पूरी 24 करोड़ की आवाम जो है वो बाहर निकलेगी, इंकलाब आ गया है, दिखा दिया उन्होंने। जो रेड लाइन थी वो उन्होंने इमरान खान के बैग पिछवाड़े पर लगा दी है, रेड लाइन जिसको कहते थे ना इमरान खान हमारी रेड लाइन है। कहाँ है वो लोग जो रेड लाइन वाले थे? जाएंगे पाकिस्तान में जाकर रेड लाइन मिटाएं? ये इस किस्म की फजूल जज्बाती गुफ्तगू करने का कोई फायदा नहीं है। और फिर आकर के इररेलेवेंट बातें करना, जी मरियम नवाज को नहीं पता, वो नहीं पता तो नहीं पता, क्या करेगी मरियम नवाज? थैंक यू जी। जनाब जी, हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। चौधरी साहब टीवी बंद करें प्लीज, आके आपकी बात क्लियर आए। जी जी, तो मैं ये कह रहा था कि टीवी का वॉल्यूम बंद करें प्लीज। जी अब आप कह रहे थे, जो कह रहे थे वो कहिए। हाँ, कॉलर ने बड़ी अच्छी बातें की कि इलेक्शन जो है हल नहीं है, तो बात उन्होंने बहुत सही की। और जैसा कि टॉपिक है आज का, इमरान खान के सारे मुकदमात खारिज, तो भाई इनके मुकदमात खारिज नहीं होंगे तो क्या महमूद साहब के और जाफरी साहब के और जैदी साहब के मुकदमात खारिज होंगे? अगर इन लोगों के ऊपर कोई मुकदमा हो जाए तो सारा कानून एक्टिव हो जाएगा। ये तो यहूदी एजेंट है भाई, यहूदी एजेंट है, इनके बहुत पावर होती है इन लोगों को, ये कुछ भी कर ले, इनके लिए कोई कानून एक्टिव। तो आप ये कह रहे हैं कि इनकी बहुत पावर होती है, आप ही की बात को आगे लेके चलते हैं, अगर इतनी पावर होती